लैंडर का इसरो से संपर्क क्या टूटा, पाकिस्तान के चेहरे खिल गए। ऐसा लगा मानो उनकी करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आने वाले पाकिस्तान ने एक बार फिर जहर उगलना शुरू कर दिया है। राजनेता से लेकर सेना प्रवक्ता अपनी औकात पर उतर आए हैं। फिर चाहे वो विज्ञान और तकनीकी का कार्यभार संभालने वाले इमरान के मंत्री फवाद चौधरी हो या फिर सेना प्रवक्ता आसिफ गफूर, कहने लगे जो काम आता नहीं पंगा नहीं लेते ना डियर इंडिया। सोजा भाई चंद्रमा की बजाय मुंबई में उतर गया खिलौना। बस फिर क्या था, दोनों ही जमकर ट्रोल होने लगे। सोशल मीडिया पर पाक और भारत के ट्विटर यूजर्स आपस में भिड़ गए। जो पाकिस्तान भारत के चंद्रयान की हंसी उड़ा रहा हो उसे उसकी बेसहारा स्पेस एजेंसी सुपारको की खस्ता हालत की याद दिलाई जा रही है। अब लीजिए पाक मूल के कलाकार और भारत की नागरिकता लेने वाले अदनान सामी की भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। लैंडर से इसरो का संपर्क टूटने पर उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों को महान बताते हुए उनकी खूब सराहना की। बाकायदा ट्वीट कर कहा, पृथ्वी से चंद्रमा तक 3,84,000 किलोमीटर में से हमने 3,83,998 किलोमीटर की यात्रा की और सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी से कम हो गए। ये अतुल्य है, इतने नजदीक होना भी गर्व की बात है। हमारे वैज्ञानिक, उनकी प्रतिभा, साहस और दृढ़ संकल्प तारीफ के लायक है, जो कि भारत के पक्ष में। वैज्ञानिकों की हौसला अफजाई करते हुए अदनान सामी ने ट्वीट किया। इस पर भी कुछ पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई। पाक आर्मी के स्पोक्स पर्सन आसिफ गफूर ने ट्वीट किया, अच्छा हुआ इसरो, किसे दोष दे, IOGNK के निर्दोष कश्मीरियों की घेराबंदी, मुसलमान और अल्पसंख्यक, सानिया के हिंदुत्व विरोधी आवाजें, ISI, हिंदुत्व तुम्हें कहीं नहीं ले जाएगा, अकेले चांद रहने दो, झूठ और नकली दावों की एक और धारा के लिए जवाब देखें। तो देखा आपने, पाकिस्तान खुद तो कुछ कर नहीं सकता है, लेकिन भारत को नीचा दिखाने की तमाम कोशिशें आए दिन करता ही रहता है।